नंबर एक, रात में सोने से पहले आप पलकों पर नारियल का तेल लगाकर धीरे धीरे मालिश करें, फिर सुबह उठकर इसे धो लें। आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल में हाइड्रेट करने में मदद करता है। इसकी मदद से भी आप पलकों को घना और खूबसूरत बना सकते हैं। नंबर दो, अगर आपके घुटनों से ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो आप इसे निजात पाने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करें, इसमें आपको थोड़ी ही राहत मिलेगी। नंबर तीन, अगर आपको भी हड्डी से कट कट की आवाज़ आती है तो आपको अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हेल्थी फैट वाले फलों का, सब्जियों का खूब खानी चाहिए। साथ ही अंडा, दूध, दही, मछली भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत और स्वस्थ होती है। नंबर चार, कोशिश करें कि सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी ही पिए। इसके अलावा आपको पूरा दिन गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। इससे अधिक कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है, पाचन और मेटाबॉलिज्म भी दुरुस्त रहता है। नंबर पाँच, बहुत से लोग होते हैं जो दिन में एक ही फल नहीं खाते, तो ऐसे ही लोगों की स्किन डल हो सकती है, क्यों फलों में फ्लोवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है। इसकी वजह से जहां फलों को अपना रंग मिलता है, वहीं इन्हें खाने से आपकी गुलाबी गाल पाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने में भी मदद करते हैं। तो अपनी डाइट में सेब, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, केला, तरबूज और रसीले फलों को शामिल करें। नंबर छः, चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए दही में टमाटर मिलाकर 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगा ले, इसके बाद ठंडे पानी से धो ले। रोज लगाने से असर 10 दिन से 15 दिनों में दिखने लगेगा। नंबर सात, रात को आप जल्दी खाना खा लेते हैं, आप बहुत सी बीमार से बचे रहते हैं। नंबर आठ, पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करने से आँखों को गजब के फायदे मिलते हैं। नंबर नौ, अगर आपके पेट में ज़्यादा गैस बनती है तो मेथी दाने का सेवन करना चाहिए, आप इसकी जगह अजवाइन भी ले सकते हैं। नंबर दस, जिन लोगों के शरीर में ज़्यादा गर्मी रहती है उन्हें ठंडे पानी के साथ सौंफ का सेवन करना चाहिए, सौंफ को चबाकर खाना चाहिए। नंबर ग्यारह, पीले चने खाने से भी दिमाग तेज़ होता है। नंबर बारह, ज़्यादा भूख लगी होने पर खाना खाने से शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और दिमाग तेज काम करने लगता है और शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर तेरह, सिर में कड़वा तेल लगाने से जुएं मर जाती हैं। नंबर चौदह, नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते और दांत खुजली भी दूर हो जाती है। नंबर पंद्रह, चाय पीने के बाद पानी पीने से दांत खराब हो जाते हैं, ज़्यादा दांतों में पायरिया भी हो सकता है। नंबर सोलह, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, इससे पेट की आंत खराब हो सकती है। नंबर सत्रह, रोटी खाना शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि रोटी खाने से आपका वज़न नहीं बढ़ता और शरीर में ताकत मिलती है। नंबर अठारह, रात के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे खांसी जुखाम की समस्या हो सकती है। नंबर उन्नीस, 60 की उम्र में 30 का दिखना है तो किशमिश का सेवन ज़रूर करें। नंबर बीस, शहतूत खाने से पाचन क्रिया अच्छी होती है, सर्दी खांसी में भी फ़ायदा करती है, साथ ही यूरिन इन्फेक्शन की समस्याओं को दूर करती है। नंबर इक्कीस, काजू के कीड़े लगने से बचाने के लिए काजू को एयरटाइट डिब्बे में 4 से 5 लौंग डालकर रख दें। नंबर 22, मौसमी का जूस पीने से वज़न तेज़ी से कम होने लगता है। नंबर 23, नीम के रस में इतनी ताकत होती है कि पुरानी से पुरानी बीमारी से भी ठीक कर देता है, क्योंकि ये शरीर में पूरी गंदगी निकाल देता है, आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर को इन्फेक्शन को भी दूर करता है और दाग धब्बों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। नंबर 24, अगर टेंशन लेने से आपका मन भारी हो रहा है तो चॉकलेट और गुड़ का सेवन करें, अच्छा लगने लगेगा। नंबर
25 केले को कभी भी ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। हाँ, और इसका छिलका भी नहीं फेंकना चाहिए, छिलके से हमें अपने चेहरे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नंबर 26, सुबह बादाम खाने से पहले बादाम के छिलके उतार कर ही खाएं, क्योंकि छिलका नहीं उतारा ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नंबर 27, लैक्टिक एसिड से भरपूर दूध त्वचा को चमक प्रदान करता है। दूध के इस्तेमाल से स्किन के दाग धब्बे हल्के होते हैं और त्वचा चमकदार नज़र आती है। रोज़ाना 2 चम्मच के करीब कच्चा मिल्क, राव मिल्क ले और इसको रुई डुबोकर चेहरे पर मले। चेहरे पर दूध को 10 मिनट तक लगाए रखने दे, बाद में साफ पानी से चेहरा धोकर साफ कर ले। इसकी निखर जाएगी और धब्बे हल्के होने लगेंगे। नंबर 28, जिन लोगों के सर के बाल हैं वहाँ सोने बाल कम हैं वहाँ सोने से पहले चने की दाल का पानी अपने सर पर लगाएं, इससे धीरे धीरे बाल उगना शुरू हो जाएगा। नंबर 29, सुबह के समय बिना ब्रश किए 2 गिलास गुनगुना पानी पीने से शरीर बहुत ही हाइड्रेट रहता है। नंबर 30, चलते हुए कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, ये शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। नंबर 31, रोटी का गोल बनाकर खाने से घर में बरकत नहीं होती। नंबर 32, चाय हड्डियों को कमज़ोर कर बना सकती है। नंबर 33, अमरूद की राख बनाकर खाने से काली खांसी दूर होती है, इसे आप सेहत के साथ मिलाकर खाएं, आपको और भी जल्दी फ़ायदा मिलेगा। नंबर 34, दिन में एक बार 1 गिलास ताज़ा जूस ज़रूर पिए, इससे आपका शरीर बहुत ही तंदुरुस्त रहता है। नंबर 35, दलिया शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इससे पेट की नसें मजबूत होती है और शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नंबर 36, सेब का सिरका पीने से दिल मजबूत होता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या ख़त्म होती है, मोटापे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 37, दूध की चाय शरीर में बहुत नुकसानदायक होती है। नंबर 38, चावल मोटापा बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। नंबर 39, जिन औरतों के हाथ पैर सूंन रहते हैं तो उनको कच्चा लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, सुबह गुनगुने पानी के साथ 2 कली लहसुन। नंबर 40, जिन औरतों के चेहरे पर गड्ढे होते हैं उनको मुल्तानी मिट्टी चेहरे पर लगानी चाहिए, इससे गड्ढे आसानी से भर जाते हैं। आज की वीडियो आप जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एक सामान्य जानकारी थी, मैंने आप तक शेयर की टिप्स। अपने डॉक्टर की सलाह लेकर नियम अपना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं ऐसी कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।